हाँ भैया, कैसे हो? अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले बाहर चल के नाश्ता करते हैं, फिर व्लॉग शुरू करते हैं। चलो। नो 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 पहले आपको कहानी बता दूं कि हमारा एक स्कूल है, मेरे फादर स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उस स्कूल का ट्रिप जा रहा है मिंचनाबाद से चिश्तियाँ। चिश्तियाँ में एक पार्क है जिसका नाम है गुलशन सफारी पार्क, बहुत ज़बरदस्त पार्क है, वहाँ का माहौल चेक करवाता हूँ आपको, चलो। अच्छा भाई, 9 बजे स्कूल का ट्रिप निकलेगा तो अभी तक एक बच्चा भी नहीं आया। अरे, कोरोना वायरस ने गलत मुल्क और गलत आवाम को सिलेक्ट कर लिया है। कोरोना वायरस भाग गया यहाँ से, देखो अभी। नो 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 तो भैया कैसे हो? बोर तो नहीं रास्ते में? नहीं, बताओ यार, बोर तो नहीं हो रास्ते में? नहीं। अच्छा भैया, हम सफारी पार्क पहुंच गए चिश्तियाँ, इसका पूरा नाम है गुलिस्तान सफारी पार्क। तो अभी आपको अंदर का माहौल चेक करवाते हैं, झूले वगैरह यहाँ पे लगता सही सही है, तो चलो। थोड़ी थोड़ी फटती है लेकिन ज्यादा डर नहीं लगता। झूला स्टार्ट हो गया, अभी स्वैग चेक कर रहे हो, मजेदार झूला यार। अच्छा भाई, अभी ड्रैगन बोट पे झूले लिए हैं। ड्रैगन बोट मतलब वो जो कश्ती हवा में चलती है ऐसे करके और काफी ऊंची जाती है, तो मैं सही सी वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाया, जितनी वीडियो रिकॉर्ड की वो आपको दिखा दी। आगे मैं जा रहा हूँ भूत बंगला, यानी कि इस पार्क में एक भूत बंगला बना हुआ है। उसमें सीन ये होता है कि आप जैसे ही भूत बंगले का दरवाज़ा एंटर करते हो, अंदर जाते हो दरवाजे में, तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, अंदर अंधेरा होता है बिल्कुल। वहाँ पर बड़े बड़े डेक पड़े होते हैं, साउंड सिस्टम, वहाँ पर डरावनी आवाज़ें चल रही होती हैं, हॉरर जो आवाज़ें होती हैं ना डरावनी, वो चल रही होती हैं। और अंदर एक आदमी होता है जिसने बुर्का पहना होता है, बुर्का ब्लैक बुर्का पहना होता है, और उस बुर्के के ऊपर एक उसने मुंह पहना होता है बंदर का, या फिर वो एक स्केलेटन ढांचा नहीं होता उसका मुंह पहना होता है, तो वो छलांगे मार मार के बच्चों को डराते हैं अंदर, और डरावनी आवाज़ें चल रही होती हैं। तो अभी मैं उसमें जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ वहाँ के सीन, देखो। हेलो जी, अग्गी जमा करानी है। ये भैया सीन है यहाँ के, देख रहे हो अभी यहाँ भूत आएंगे काले पांव वाले, वो रहा एक भूत, देख ये रहा, ये देख रहे हो आप, ये एक भूत है मेरे ख्याल से। आ जाओ जी, आ जाओ, गेट नाल लाओ। चाहिए चाहिए वो देखो, अभी यहाँ से आएंगे।
बिच्छू आ गया। ओ नहीं आया। चलो आगे, चलो आगे, आगे चलो, आगे चलो, आगे 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 अरे बाहर बाहर अरे बाहर आजा अन्नी जी मजाक है अन्नी जी मजाक है। आप देखो जी गाइस ये देखे ये भूत है ये देखो अन्नी जी मजाक है अन्नी जी मजाक है। आयो 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 ओए आ भूतों के हाथ भी होते ने ये बंदा है बंदा इसने मास्क पहना हुआ मुंह पे वो देखो उसके हाथ देखो उन्हें शर्म आ रही है बेचारे अच्छा भाई सीन ये था कि वो भूत जो था उसने बुरका तो पहना हुआ था लेकिन उसके हाथ और उसके पांव नीचे से नजर आ रहे थे। तो बच्चे शुरू में डरे काफ़ी क्योंकि वो डरावना साउंड चल रहा था पीछे और वो छलांगे छलांगे मार रहा था और उसने एक बंदर का मास्क पहना हुआ था मुँह पे। तो बच्चे डर रहे थे लेकिन मैंने उनको दिखाया कि भाई इसके हाथ देखो हाथ नज़र आ रहे हैं ये एक बंदा है। तो हमने चंगा उसको जलील किया सही उसके साथ की मतलब के तो वो खुद शर्मिंदा हो गया कि मैं इसको डरा इन बच्चों को डराता हूँ और ये डरते ही नहीं है। तो काफ़ी मज़ा आया। अभी कंटीन पे चलते हैं आगे और देखते हैं इस पार्क की कंटीन कैसी है। चलो फिटिंग गोल गप्पा तो भाई अगर बात करें कैंटीन की तो भाई 20 रुपए के 3 गोलगप्पे हमारे यहाँ से 10 रुपए के 4 मिलते हैं। चलो यार 20 के लगा लिए खैर है। अगर दही भले 60 रुपए की प्लेट है 60 रुपए की मतलब आपने 20 30 50 के लेने हो तो नहीं मिलेंगे पूरे 60 की प्लेट। चलो यार 60 की प्लेट ये भी मान लेते हैं। चलो 20 के 3 गोलगप्पे 60 की दही भलों की प्लेट मान लेते हैं लेकिन यार महंगी चीज़ हो तो अच्छी भी हो और यार इतना गंदा घटिया जायका उनका पकौड़ियाँ डाली हुई थी बीच में सही इतना भिगोई भी नहीं हुई थी सख्त और मज़ा नहीं था मतलब के पैसे ज़ाया गए हमारे। तो अगर कोई बंदा वहाँ जाने की सोच रहा है या वहाँ जाना चाहेगा फ्यूचर में कभी भी आप जो देख रहे हैं आप लोगों में से तो मेरी मानो कि घर से खाना बना के रोटी पानी बना के वहाँ जाओ और वहाँ पर झूले वगैरह लो और घास लगाओ बड़ा खूबसूरत वहाँ बैठ के घर का खाना खाओ कंटीन पर कभी ना जाना। ये आपके लिए मशवरा अगर आप वहाँ जाना चाहो तो फ्यूचर में कभी। यहाँ पे एक झूला है इसका नाम है डिस्कवरी। मैं समझाता तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में सुखिया रोटियां तो पापड़ ये बढ़ गू गोल गोल घूम रहा है फिलहाल तो सब्सक्राइबर्स के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सब्सक्राइब मारो लाइक मारो इस वीडियो को।
हाय मर गया, यूट्यूब की आखिरी वीडियो मेरी। अगर इस झूले की बात करें तो यार ये इस तरह घूमते हैं, मतलब इससे लटका हुआ है ना तो आगे इधर पीछे गोल घूमते हैं और दाएं बाएं मतलब 360 के एंगल में घूमते हैं। तो बाहरले मुल्कों में दुबई वगैरह में झूला होता है, वो बड़ा ख़तरनाक तरीके से चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ध्यान रखा है, सही चलाया है। देखने में ड्रामा लग रहा था लेकिन मज़ेदार झूला था ये। आगे चलते हैं, आगे एक झूला है ऑक्टोपस, वो ऑक्टोपस बना हुआ है, उसकी सीट्स हैं, उसके जो बाजू हैं ना उनके ऊपर सीट्स लगी हुई हैं, वो दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी भैया जी, ये ऑक्टोपस पे आ गए हैं, अब ये चलेगा, इस पर झूला लेते हैं और ये भी सीन चेक करवाते हैं आपको अभी पीछे। भाई अगर आप ध्यान से देखें तो जो ऑक्टोपस वाला झूला है वो इतना तेज़ नहीं चल रहा था, बिल्कुल स्लो चल रहा था, लेकिन फिर भी हमें चक्कर आ रहे थे। उसकी वजह ये थी कि उसकी चार कुर्सियां जो हैं वो भी घूम रही थी इस तरह, वो पूरा झूला भी घूम रहा था, उसके बाजू भी घूम रहे थे, उसके बाजू ऊपर नीचे भी जा रहे थे, तो मतलब इतनी सारी मूवमेंट्स हो रही थी इसलिए चक्कर आ रहे थे और हम चीखें मार रहे थे, वैसे वो बिल्कुल स्लो चल रहा था। भैया आखिर पे एक ही झूला रह गया और वो है ट्रेन, अब उस पर भी सवारी करते हैं, देखो। हाँ भैया क्या हाल है, अब फाइनली हम ट्रेन पे, आखिरी झूला है, ट्रेन ट्राई करने वाले हैं। पीछे आप देख रहे हैं ट्रेन, ये पूरा दायरा बना हुआ ऊपर से होता हुआ, वहाँ से होता हुआ ये पूरा एक दायरा सर्कल बना हुआ है, यहाँ से पूरा घूम के ट्रेन आएगी। सबसे ख़तरनाक झूला जो था, सबसे मज़ेदार झूला जो था वो था ड्रैगन बोट, यानी कि कश्ती जो हवा में चलती है। तो मैंने सोचा कि आखिरी दफ़ा, मतलब जाने से पहले आखिरी दफ़ा एक और झूला ले लें उस पर, तो गौर फरमाएं। हाँ भैया कैसे हो? हाँ भैया मेरा डायलॉग काफ़ी दफा हो गया मेरे ख्याल से, अब हम वापस जा रहे हैं। दो बसें खड़ी हैं, वो गुलशन सफारी पार्क का गेट है, अभी मिशनाबाद चलते हैं घर, फिर आपसे मिलते हैं बाद में, चलो। तो बस यार आखिर पे एक ही फिक्र रह गई है कि आज के व्लॉग को लाइक करो, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।